पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी नुकसान की खबर आ रही है। इधर दिल्ली में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की वर्षा होने के आसार है। हिमाचल में मॉनसून धीमा पड़ गया है। मौसम विभाग ने अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है। कई जगह आंधी चल सकती है। 11 और 12 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में सप्ताह बीच बीच में जारी रहेगा वर्षा का दौर। उत्तर प्रदेश के मौसम में सितंबर के महीने में बदलाव का दौर लगातार जारी है। कहीं तेज धूप ने उमस बढ़ा रखी है तो कहीं हल्की बारिश के साथ बादल छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में आज शनिवार और रविवार को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 11 सितंबर तक मध्य प्रदेश से सटे यूपी के सभी जिलों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज और कुछ पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अक्टूबर से पहले मॉनसून की विदा होने की भी संकेत है। यूपी मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ समेत प्रदेश भर के 18 जिले में, शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, बरेली, बहराइच, संत कबीर नगर, लखनऊ, फुर्सतगंज, फतेहपुर, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, औरैया, मैनपुरी, बलिया, वाराणसी, मऊ, गोरखपुर, आगरा बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मॉनसून की ट्रफ लाइन लखनऊ के पास से गुजर रही है। झारखंड में हो सकती है बारिश। झारखंड में भी बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिल सकता है। इससे बने निम्न दबाव के क्षेत्र से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर कल यानी रविवार को दिखने लगेगा। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में 11 से 13 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार से कुछ स्थानों पर बादल छाने और एक दो स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने 11 और 12 सितंबर को लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों में आंधी और तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। ऐसे में सफर के दौरान खास एहतियात बरतने की आवश्यकता है। एमपी मौसम विभाग ने आज से सभी संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। रीवा, शहडोल, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं शहडोल, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के साथ पन्ना, सागर, शाजापुर, दमोह, देवास, छतरपुर और आगर जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक ट्रफ लाइन दक्षिणी कोंकण से उत्तरी आंध्र प्रदेश व दक्षिणी ओडिशा तट के बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र तक जा रही है। वहीं मॉनसून द्रोणिका लाइन उदयपुर, जलगांव, रामागुंडम होते हुए कम दबाव के क्षेत्र तक जा रही है, जिसके प्रभाव से अभी दक्षिण मध्य प्रदेश में खंडवा, खरगोन, बड़वानी व अलीराजपुर क्षेत्र में नमी आ रही है और दक्षिण मध्य प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा, आंध्र के बीच सक्रिय है। यह मजबूत होकर आगे बढ़ेगा तब वर्षा की गतिविधि में तेजी आएगी। राजस्थान में मौसम ने आज फिर करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश प्रदेश के सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, झुंझुनू और नागौर जिले के कुछ इलाकों में हुई, जिसमें एक बार की मौसम खुशनुमा होने के साथ गर्मी से भी राहत मिली। कुछ इलाकों में पानी भराव से सुबह सुबह राहगीरों व स्थानीय लोगों को परेशानी जरूर बढ़ गई। इधर मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से बरसात की गतिविधियां आगामी दिनों में भी जारी रहने की संभावना।